हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस लास्ट 24 आवर्स में लगभग 17% डाउन में आया हुआ है, जैसा कि यहां पर एक्सपेक्टेशन था। और हमने आपसे कल ये भी शेयर किया था कि अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है या एंट्री लेना है तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस और नीचे की ओर जा सकता है। मतलब कल के दिन में अगर आप देखें तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया, और अगर अभी आप देखें लगभग यहाँ पर 17% डाउन में है और थोड़ा और डाउन में जा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर इसकी लिस्टिंग से जुड़ी निकल कर आ रही है। अगर अभी आप देखें 0.000037 इंडियन रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। कुछ लोगों को, कुछ महापुरुष ऐसे थे दोस्तों जिन्हें ये लग रहा था कि इसमें 8 जीरो देखने को मिल रहा है और आप यहां पर सिर्फ 6 जीरो बता रहे हैं, तो हम यहां पर INR में इसका प्राइस बता रहे हैं। अगर डॉलर में आप देखेंगे तो आपको यहां पर इसमें 8 जीरो देखने को मिलेंगे। और वैसे अगर आप देखें तो ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो USDT में ही होती है, और अगर हम बेबी डॉज की बात करें तो ये भी ज्यादातर USDT के पेयर में ही अवेलेबल है। INR के पेयर में काफी कम एक्सचेंजेस है जहां पर ये अवेलेबल है। सन क्रिप्टो पर आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप देखें मार्केट रैंक 117 है, लेकिन CMC पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट रैंक आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब लगभग 2800 के करीब यहां पर ये रैंक कर रहा है। अगर हम यहां पर इसके प्राइस की बात करें, जो चार्ट है आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का, एक अच्छी खासी गिरावट यहां से देखने को मिली है। एक अच्छा खासा प्राइस यहां पर नीचे की ओर आया हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट 24 आवर्स की, लगातार ये डाउन में जा रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, तो अभी भी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लास्ट 14 डेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर की ओर गया, लेकिन यहां से रिजेक्शन मिला और थोड़ा नीचे की ओर आया हुआ है। तो लास्ट 30 डेज में अगर आप रिटर्न देखें तो लगभग 241% ऊपर की ओर है अभी इसका प्राइस। मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न जिन्होंने यहां पर दिसंबर एंड में से परचेस किया था उन्हें अभी मिल रहा है। ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं 16 जनवरी को इसने क्रिएट किया था, उससे अभी लगभग 20% कम है। ऑल टाइम लो की बात करें तो यहां पर जरूर आप इसमें 8 जीरो देख सकते हैं, जो 7 महीने पहले था, मतलब जब ये लॉन्च हुआ था जून में। मतलब अगर अभी तक देखें तो यहां पर 2 जीरो इसने कैंसिल किए हुए हैं। अगर हम यहां पर काउंट करें 3, 3, 6 और 2, 8 जीरो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और अगर अभी की बात करें लगभग 6 जीरो यहां पर देखने को मिल रहा है, और काफी उम्मीदें हैं कि अभी और भी जीरो यहां पर कैंसिल होते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट की। तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी बड़ी अपडेट जो इसकी लिस्टिंग से जुड़ी हुई है। कॉइन एक्स ग्लोबल के द्वारा यहां पर बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखें इतने सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं है, और साथ ही मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं है, लेकिन एक काफी बड़ा एक्सचेंज, अगर आप यहां पर इनके ट्विटर अकाउंट चेक करें लगभग 94,000 फॉलोअर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब एक बड़ा यहां पर एक्सचेंज है जो यहां पर इसे लिस्ट कर रहा है। USDT के पेयर में यहां पर अवेलेबल हो रहा है 18 जनवरी, मतलब आज के दिन यहां पर अवेलेबल हो रहा है। और अगर अभी आप देखें तो यहां पर प्राइस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। डिपॉजिट और विड्रॉल की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी, टाइमिंग आप देख सकते हैं 7 AM, मतलब इंडियन टाइम के अनुसार अगर आप UTC को कंपेयर करेंगे तो वो लगभग 5.5 घंटे पीछे चलता है। मतलब अगर अभी आप देखें 5:53 PM हो रहे हैं, और अगर हम बात करें UTC टाइम के अनुसार लगभग यहां पर 12:23 PM हो रहे होंगे। तो मतलब यहां पर जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है, उसके साथ ही ट्रेडिंग भी यहां पर शुरू हो चुकी है, और डिपॉजिट और विड्रॉल भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट इस पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर कस्टमर्स को एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहां से वो बेबी डॉज को ट्रेड कर सकते हैं USDT के पेयर में। अगर हम दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें, बाइनेंस, कॉइनबेस, वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस अभी भी लिस्ट में है, जहां पर आने वाले टाइम में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां पर लिस्ट हो, और अगर वहां लिस्ट होता है तो इसके प्राइस में कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है जो लगभग 100 से 200% तक का हो सकता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं 2 या 3 की सीरीज में, जैसा कि अभी 3 की सीरीज में आपको यह देखने को मिल रहा है। थोड़ा और डाउन में जाए तब भी जाकर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर DCA स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मतलब एक साथ आपको बाय नहीं करना है, यहां पर डॉलर कॉस्ट एवरेज वाली स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। मतलब पार्ट्स में आपको बाय करना है ताकि जब ये और थोड़ा डाउन में चले जाए तब जाकर आप कुछ और अमाउंट वहां पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। अगर एक साथ आप पूरा अमाउंट लगा देंगे दोस्तों तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, और अगर ये डाउन में चले जाता है तो फिर आपको ये लगेगा कि हमने यहां पर बेबी डॉज को खरीद कर काफी बड़ी गलती कर ली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और कॉइन यहां पर लिस्ट हो रहा है कॉइन एक्स पर, हम बात कर रहे हैं एलन की, डोजलोन मार्स, जो यहां पर 17 जनवरी को लिस्ट हो चुका है। मतलब ट्रेडिंग, विड्रॉल, उसके अलावा डिपॉजिट भी यहां पर शुरू हो चुका है। और अगर आप देखें एलन भी एक काफी बड़ा कॉइन है दोस्तों, अगर मार्केट कैप के बेसिस पर देखें तो CMC पर आप देख सकते हैं टॉप 120 में आता है, लेकिन अभी अगर आप प्राइस पर देखें इतना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप यहां पर CMC पर भी देख सकते हैं मार्केट रैंक 2834 है। कुछ एरर्स होने के कारण यहां पर आप देख सकते हैं लोवेस्ट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है, उसके साथ ही मार्केट रैंक अपडेट नहीं हो रही है। मतलब यहां पर जो इनकी टीम है लगातार CMC को भी अपडेट कर रही है कि आप इसे यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें यहां पर प्राइस की तो आप देख सकते हैं
सकते हैं, जिन लोगों को लग रहा है 8-0 है, बिल्कुल 8-0 है, आप यहां पर देख सकते हैं डॉलर में 8-0 आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर हम होल्डर्स की बात करें, होल्डर्स का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नए नए माइलस्टोन यहां पर होल्डर्स के मामले में बेबी डॉज क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। 12,75,755 होल्डर्स यहां पर हो चुके हैं, मतलब हर दिन अगर आप देखें होल्डर जो है वो कुछ क्वांटिटी में बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। कल के दिन से भी अगर आप कंपेयर करें तो आज लगभग 5,000 से 8,000 होल्डर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर आप प्राइस देखें दोस्तों, जब प्राइस बढ़ता है तो होल्डर्स भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ते हैं, लेकिन जब प्राइस यहां पर थोड़ा डाउन में आता है तो काफी लोग यहां पर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉइन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए उसे जरूर होल्ड करके रखें, लेकिन यहां पर इमोशनल नहीं होना है आपको उस कॉइन के साथ, मतलब अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते हुए आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाए, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।